स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फर्स्ट सेम की बच्चों फर्स्ट बुक थी डिफरेंशियल कैलकुलस। तो उसमें आपके कुछ डाउट्स आ रहे थे, एंड जैसे कि आपको पता है कि 20 तारीख को आपका पेपर है, तो इसलिए वो सभी डाउट्स मैं आज इस वाली वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगी। तो जिनके भी एग्जाम्स नहीं हुए, एक बार इन एग्जाम्पल्स को देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, चैप्टर है आपका एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, उसमें एग्जाम्पल नंबर 6 है। और एग्जाम्पल क्या है, इफ़ वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट दिस, यानी कि आपको ये टर्म दे रखी है और आपको प्रूव करके क्या दिखाना है कि एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू ए एन प्लस टू इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू एक एन। सो लेट क्या करेंगे, लेट वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। माना वाई कितना दिया हुआ है आपको, साइन इनवर्स एक्स गिवन है। सो वाई वन इसका क्या कर दोगे, एक बार डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और वाई वन और इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, वन का डिफरेंशिएशन, सॉरी यहाँ पे कितना रहेगा, वन। अब इन्होंने क्या करा कि दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, एक लाइन इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करी। क्या सपोज दैट, चलो यहीं पर देख लो, अगर आप इसका क्या कर देते हो, स्क्वायर कर देते हो, तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, वाई वन का स्क्वायर हो जाएगा। और इस वाले टर्म का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वन और इसमें से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो y1 रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे से ये वाला रूट तो कैंसिल आउट हो गया जब आपने स्क्वायर किया, तो टर्म कितनी आ गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इधर कितना था, 1 था, तो इस 1 को भी इधर की साइड लेके आ गई तो कितना हो गया, माइनस वन। सो ये आपकी इक्वेशन बन गई, किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल आ गई। इस वाली इक्वेशन को ऐड करोगे इक्वेशन वन, और इसको ऐड कर लोगे इक्वेशन नंबर टू। उसके बाद में क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे दोबारा से। सो लिख दिया इन्होंने डिफरेंशिएटिंग अगेन वी गेट, जब आप इक्वेशन वन का दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये वाली साइड मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, इनको आप सॉल्व करते जाओगे। यहाँ से देखिए, टू वाई वन अगर आप कॉमन ले लोगे, क्योंकि इसमें भी टू वाई वन है और यहाँ पर भी टू वाई वन है, तो कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई वन कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, वाई टू माइनस यहाँ से कितना बचा, एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से टू वाई वन मल्टीप्लाई में तो इधर जीरो में चला गया, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू जीरो। जबकि टू वाई वन क्या नहीं हो सकता बच्चों, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग थर्ड एंड टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम वी गेट, जो आपकी वाली इक्वेशन आई इसको क्या ऐड कर लोगे आप, इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसका क्या कर दोगे आप, अगेन डिफरेंशिएशन कर दोगे एन टाइम्स, और किससे, लेबनीज थ्योरम से। तो लेबनीज थ्योरम आपको पता है क्या होती है, जो कि हमने अभी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में की थी इससे पहले, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस वाली इक्वेशन का क्या कर दोगे, इक्वेशन थर्ड का n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद में इसको सॉल्व करके आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। इक्वेशन 4 के लिए क्या करोगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 इन 4 वी गेट, x के प्लेस पे अगर आप 0 पुट करोगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो यहां से देखें आप, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 1 माइनस 0 1, 1 की मल्टीप्लाई करोगे yn + 2 में, yn + 2 आ जाएगा किस पे, एट 0 पे, माइनस ये वाली टर्म तो जीरो ही हो जाएगी इनकी मल्टीप्लाई होके, और ये माइनस के एन स्क्वायर वाई एन है, दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, मैक्लोरिन थ्योरम अप्लाई करोगे, क्योंकि इस वाले चैप्टर में आपके दो ही थ्योरम्स हैं, एक तो मैक्लोरिन थ्योरम और एक टेलर थ्योरम। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी आपकी, मैक्लोरिन थ्योरम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये उसका फॉर्मूला होता है। ऑल्सो वी आर गिवन दैट, आपको दिया हुआ है वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, जो कि आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही दिया था, जो कि किसके इक्वल है, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जा रही है सीरीज, ए एन एक्स की पावर एन प्लस इनफाइनाइट तक। सो यहाँ से देखिए क्या कहा, इक्वेटिंग द कोफिशियंट्स ऑफ एक्स की पावर एन इन द टू एक्सपेंशंस फॉर वाई वी गेट। इस लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ से देखिए, ये वाली तो मैक्लोरिन सीरीज के अकॉर्डिंग आपको पता है फॉर्मूला होता है, और ये वाली इक्वेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में। सो इन्होंने क्या कर दिया, इस वाली इक्वेशन से तो एक्स की पावर एन का जो भी कोफिशियंट है उसको, और जो आपकी मैक्लोरिन थ्योरम है उससे एक्स की पावर एन का जो भी कोफिशियंट है उसको, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से देखिए, एक्स की पावर एन का कोफिशियंट कितना है, ए की पावर एन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से एक्स की पावर एन का कोफिशियंट कितना है, वाई एन एट जीरो अपॉन फैक्टोरियल एन, तो दोनों क्या आ गए,
इक्वल आ गई दोनों इक्वेशन से। सो यहाँ पे अगर आप n के प्लेस पे n प्लस टू रखते हो और उसको डिवाइड करते हो किससे, ए एन से, तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी ए एन प्लस टू अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू। यहाँ पे देखिए जब n था तो n था तो यहाँ पे भी n था, तो n प्लस टू लोगे तो वाई एन प्लस टू एट जीरो आएगा और अपॉन में n प्लस टू फैक्टोरियल आ जाएगा। और ए एन की वैल्यू कितनी है, वाई एन एट जीरो अपॉन फैक्टोरियल n, तो ये अपोजिट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। उसके बाद में इसको आप सॉल्व कर दोगे वाई एन प्लस टू एट जीरो अपॉन वाई एन एट जीरो, एक साथ रख लिया, यहाँ से इसको आप ओपन कर दो, n प्लस टू का फैक्टोरियल ओपन करोगे तो कितना होगा n प्लस टू, उसके बाद में इंटू में आएगा n प्लस टू माइनस वन, तो दो में से एक माइनस करोगे कितना आ जाएगा वन, यानी कि n प्लस वन, और उसके बाद में फिर माइनस वन कर दोगे तो वन से वन कैंसिल आउट, कितना बचेगा फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से टर्म क्या बच जाएगी, देखिए सब्सटीट्यूटिंग फॉर यहाँ पे वाई एन प्लस टू एट जीरो अपॉन वाई एन एट जीरो फ्रॉम फिफ्थ, आपकी जो इक्वेशन नंबर फाइव है इससे क्या करोगे आप वैल्यू पुट कर दोगे किसकी, वाई एन प्लस टू एट जीरो अपॉन वाई एन एट जीरो। यहाँ से देखिए वाई एन प्लस टू एट जीरो और इक्वल में क्या है एन स्क्वायर इंटू वाई एन एट जीरो, तो इसको इसके अपॉन में लेके आओगे इज इक्वल्स टू में कितना बचेगा एन स्क्वायर, तो इस वाली टर्म के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप एन स्क्वायर और अपॉन में कितना है एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन, इधर की साइड लेके आ जाओगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ए एन की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 10 है इसी चैप्टर का, इफ़ वाई इज इक्वल्स टू साइन इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन तो प्रूव दैट दिस हैंस और अदरवाइज एक्सपेंड वाई इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स एज फार एज एक्स टू द पावर सिक्स, यानी कि एक तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि अगर वाई आपको ये गिवन है तो ये वाली टर्म किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है, और आपको क्या करके दिखाना है कि जो वाई की फॉर्म में अगर आप असेंडिंग पावर ऑफ एक्स एक्स के असेंडिंग पावर की टर्म्स में एक्सपेंड करोगे वाई को तो ये कहां तक जाएगा x से लेके x की पावर 6 तक, जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा ये एक्सपेंड होता रहेगा, तो इसका एक्सपेंशन भी आपको करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है y is equals to sin log x square plus 2x plus 1, इसको आप क्या लिख सकते हो sin log, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बच्चों x plus 1 के होल स्क्वायर का, क्योंकि आप सभी को पता है a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है a square plus b square plus k 2ab, सो यहाँ से ये फॉर्मूला ओपन कर दिया किसका x प्लस वन के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दे रखा था, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद में क्या किया cos log x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, क्या है ये वाली लाइन y1 का मतलब क्या होता है, यानी कि जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है इसका इन्होंने एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया y1 का, मैंने आपको बताया हुआ है कि y1 लिख दे dy अपॉन dx लिख दे या फिर y डैश लिख दे, इन सब का मतलब क्या होता है कि इसका इन्होंने डिफ्रेंशिएशन किया है, तो y का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया, सॉल्व करोगे तो ये टर्म आ जाएगी, डिफ्रेंशिएशन करना आप सभी पे आता है, सॉल्व करके देख लेना। उसके बाद में क्या किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ टू वी गेट दोनों साइड y1 किसके इक्वल आया इस वाले टर्म के, इसको ऐड कर लेना इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन सेकंड का क्या करोगे स्क्वायर करोगे दोनों साइड, तो आपको टर्म क्या मिल जाएगी, यहाँ से देखना बच्चों ये अपॉन में x प्लस वन, तो इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो y1 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू y1 इधर की साइड है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इन सभी टर्म्स का क्या हो जाएगा इधर की साइड कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। और यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप कभी अलग अलग स्क्वायर लगा दो, ये कोज का फंक्शन है, कोज लोग x प्लस वन का स्क्वायर ये फंक्शन है किसका कोज का, तो स्क्वायर किसके ऊपर आएगा ओनली कोज के ऊपर, तो टर्म आ जाएगी कोज स्क्वायर और ये आपकी टर्म एज इट इज़ रहेगी लोग x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में 4 आपका एज इट इज़ कोज स्क्वायर लोग x प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन, तो आपको क्या होगा अगर आपको ओनली कॉज स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो वो किसके इक्वल आएगी वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स की, तो सेम इन्होंने यहाँ पे ऐसे ही किया कॉज स्क्वायर, इसको अगर आप एक्स ऐड कर लेते हो तो किस फॉर्म में लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है लोग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर वन माइनस ये वाली जो टर्म आई साइन स्क्वायर लोग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट से किसके इक्वल थी वाई के इक्वल थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इसका स्क्वायर हो रहा है, सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझिए यहाँ पे देखिए साइन आपका सिंगल था तो ये किसके इक्वल था वाई के इक्वल था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो वाई का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर लोग एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे वाई स्क्वायर पुट कर दोगे।
सो आपकी सोल्व करके कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर। ये इधर की साइड में देखिए प्लस फोर है, इधर की साइड आएगा इक्वल से इधर, तो माइनस फोर हो जाएगा। ये इधर माइनस फोर वाई स्क्वायर, इधर की साइड आएगा तो प्लस के हो जाएगा, इज इक्वल्स टू जीरो। इसको ऐड कर लोगे आप इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड का क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो आपके पास में वाली लाइन आएगी, सॉल्व कर लोगे तो इक्वेशन फोर आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। जिसमें से कि आपको पता है कि टू वाई वन, ये वाला यहाँ से देखना, ये वाला जो टू वाई वन है ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये एक मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है भाई, मैं क्या करूँ इसका। सो आगे इन्होंने देखिए क्या लिखा है, सिंस टू वाई वन डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, टू वाई वन क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए जो आपने इक्वेशन फोर्थ लेट की थी उसका क्या कर दोगे आप, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे एन टाइम्स, और एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन किससे करोगे, लेबनीज थ्योरम से। तो सॉल्व कर लोगे आप लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, इक्वेशन फाइव आपको मिल जाएगी। इक्वेशन फाइव में क्या करोगे, एक्स इज इक्वल्स टू, इक्वेशन फाइव मतलब फाइंड आउट करने के बाद में आप क्या करोगे, पुट करोगे एक्स इज इक्वल्स टू जीरो किस में, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और फोर में। तो वहां से आपको किन किन की वैल्यू मिल जाएंगी, y एट जीरो, y वन एट जीरो, y टू एट जीरो प्लस y वन एट जीरो प्लस फोर वाई एट जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, और y टू एट जीरो कितना आ जाएगा, माइनस के टू आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से तो आपको क्या मिलेगा, y एट जीरो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो, y वन एट जीरो इज इक्वल्स टू टू मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आप इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करोगे, उसमें x इज इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। इन सभी को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y2 टू एट जीरो इज इक्वल्स टू माइनस टू। सो ऑल्सो पुटिंग x इज इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेशन फिफ्थ, उसके बाद में क्या करोगे, x इज इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे इक्वेशन फिफ्थ में, सो आपको क्या मिल जाएगी, ये वाली इक्वेशन मिल जाएंगी। सो इन इक्वेशंस में नाउ पुटिंग n इज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर इन सिक्स, इस वाली जो आपकी सिक्स इक्वेशन आई इसमें वन टू थ्री फोर पुट करोगे किस पे, n के प्लेस पे। सो आपको किन किन की वैल्यूज मिल जाएंगी, y3 एट जीरो, y4 एट जीरो, y5 एट जीरो, y6 एट जीरो। क्यों y6 एट जीरो तक क्यों निकाली, क्योंकि आपने क्वेश्चन में देखा था कि इन्होंने क्या कहा था कि एक्सपेंड कहाँ तक करना है, x एज फार एज x की पावर 6, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा x की पावर 6 तक आपको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू, y का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा 6 टाइम्स तक, ठीक है, और एट जीरो पे उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो वाई जीरो, सॉरी वाई की वैल्यू एट जीरो पे, वाई वन एट जीरो और वाई टू एट जीरो, ये तो हम निकाल चुके। उसके बाद में जो इक्वेशन 6 आई उसमें क्या कर दिया, n इज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर पुट कर दिया, तो आपको y3 एट जीरो, y4 एट जीरो, y5 एट जीरो और y6 एट जीरो पे इन सभी की वैल्यूज मिल गई। उसके बाद में मैक्लोरिन्स थ्योरम अप्लाई कर दी और उसमें सभी की वैल्यूज पुट कर दी। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए बच्चों, इसके बाद में आपका एग्जाम्पल है 12, ये है आपका चैप्टर था टेंजेंट एंड नॉर्मल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। मैंने आपको कराया हुआ है किसी डाउट क्लास में, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हो, सोचते हो कि हमने तो क्वेश्चंस पूछे नहीं थे, तो डाउट क्लास देखने का फ़ायदा क्या है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि मैम ने उसमें एग्जाम्पल्स भी कराए होंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा, और फिर बाद में पूछते हो। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, एग्जांपल नंबर 12 में आपसे क्या कहा है, शो दैट द पैडल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स दिस, यानी कि आपको शो करके दिखानी है कि इलिप्स की पैडल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, इलिप्स की इक्वेशन है। तो इसकी पैडल इक्वेशन क्या होती है, वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ध्यान रखना, इलिप्स की इक्वेशन अगर आपसे बोले तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ये वाली होती है। ये किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है, और इसकी पैडल इक्वेशन क्या होती है, ये वाली होती है, ठीक है। सो ये शो करके दिखानी है। सो आपको दे क्या रखा है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, इलिप्स के जो आपका कर्व है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये वाली। इसको ऐड कर लोगे आप इक्वेशन वन, द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन वन मे बी टेकन एज, आपको पता है कि अगर इलिप्स दे रखा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स अगर बात करें तो क्या होते हैं, एक्स किसके इक्वल होता है, ए कोस टी के, और वाई किसके इक्वल होता है, बी साइन टी के, जहाँ पे टी क्या होता है, पैरामीटर। सो वेयर टी इज द पैरामीटर, इसलिए क्या करोगे, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दोगे टी के रेस्पेक्ट में, और एक बार इस वाली इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे टी के रेस्पेक्ट में, तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी की। हमें चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन आई इसको डिवाइड कर दोगे किससे, इससे, तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट, कितना बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और बी कॉस टी और अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस के,
ए साइन टी, हैंस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स एट द पॉइंट टी इज। इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है उसमें वैल्यूज पुट कर दोगे आप, वाई माइनस स्मॉल वाई, स्मॉल वाई की वैल्यू कितनी है बी साइन टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू किसकी पुट करते हो डी वाई अपॉन डी एक्स की, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने निकाल लिया तो ये आ गया, इंटू में कितना होता है कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी है ए कोस टी। सॉल्व कर लोगे, इक्वेशन सॉल्व करनी यहाँ पे आती है, उसके बाद में क्या है पी इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0, 0 to 2। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपने टेंथ और ट्वेल्थ में निकालनी सीखी होंगी, तो यहाँ से आपकी टर्म कितनी आ गई ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, यानी कि जो ये वाली टर्म है आपकी इनका क्या कर दिया स्क्वायर, अपॉन में कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाली टर्म्स आ गई। सॉल्व करोगे इसका अपोजिट कर दोगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा कितना वन अपॉन पी, और अपोजिट करके क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे, तो वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाली साइड ऊपर चली जाएगी टर्म, तो इसका अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पे तो कुछ भी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगी। ऑल्सो आपको पता है आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता है कितनी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस टी और वाई इज इक्वल्स टू बी साइन टी, इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे यहाँ पे, सॉल्यूशन करने के बाद में क्या करोगे एलिमिनेट करोगे, एलिमिनेटिंग टी बिटवीन 3 and 4 वी ऑब्टेन द पेडल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व फ्रॉम 4 वी गेट, जो आपकी इक्वेशन 3 और 4 है इससे क्या कर दोगे आप टी को एलिमिनेट कर दोगे, यानी कि टी को हटा दोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी ये वाली, हैंस 3 गिव्स जो आपकी इक्वेशन 3 है वो क्या देती है 1 upon p² इज इक्वल्स टू दिस। सो इसको सॉल्व करने के बाद में एक इक्वेशन आ जाएगी और यही क्या है आपकी पैडल इक्वेशन है, किसकी इलिप्स की, ठीक है। सो इसी के साथ में वाला एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में इसी का ही एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए क्या है, शो दैट द पैडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a × x + a इज पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिए लास्ट ईयर्स में पूछा गया है 18 में भी और 17 में भी, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स में से पूछा गया है। सो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पैराबोला दे रखा है कर्व और इसकी पैडल इक्वेशन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आर होती है, ये आपको शो करके दिखाना है। सो यहाँ पे जो आपको ये वाली टर्म दे रखी है डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ द कर्व वी गेट, ये वाली जो इक्वेशन है आप क्या करोगे इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का करोगे कितना हो जाएगा 2y × y का करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से 4 है तो कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और a का 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 4a। सो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी 2a / y, क्योंकि 2 से कैंसिल आउट 2 times, तो 2a / y बचेगा। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एक्स वाई, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है एक्स वाई पे, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पता है आपको, यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स, फॉर्मूले में यहाँ पे क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। सो उसके बाद में इसको सॉल्व कर लोगे ये वाली लाइन आ जाएगी, इसलिए आपको पता है कि पी किसके इक्वल होता है, जो आपका फॉर्मूला होता है पैडल इक्वेशन का उसमें आप वैल्यूज पुट कर दोगे और इनको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद में आपकी यहाँ पे टर्म आ जाएगी अंडर रूट ए इंटू एक्स प्लस 2a, आपको पता है आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे जो आपने फाइंड की है, सॉरी वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है, तो वहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे 4a × x + a। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा 4ax + k 4a², तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स प्लस 2a के होल स्क्वायर का, ओपन करके देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर यानी कि 4a², तो 4a की मल्टीप्लाई ये में करोगे 4a² आ जाएगा और प्लस के 2 × 4ax, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ये, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसका बन रहा है एक्स प्लस 2a के होल स्क्वायर का। और r किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से देखिए, अगर r स्क्वायर इसके इक्वल है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि r किसके इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस 2a के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से पी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा a × x + 2a और पी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा ए आर के, क्योंकि आर किसके इक्वल है x + 2a, तो x + 2a के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप आर पुट कर दोगे, और यही क्या है पैडल इक्वेशन है किसकी पैराबोला की, जो कि आपको प्रूफ करके दिखानी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए बच्चों इसके बाद में चैप्टर है आपका कर्वेचर, और कर्वेचर में एग्जांपल नंबर 2 है क्या है, फाइंड द कर्वेचर एट द पॉइंट 3a / 2, 3a / 2 ऑफ द कर्व x³ + y³ = 3ax y। कई बार आपका पूछा जा चुका है, देख लेना क्वेश्चन में क्या कहा है,
कर्व दे रखा है आपको, कर्व की इक्वेशन गिवन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3xy। दोनों साइड क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना आप सभी पे आता है। सो सॉल्व कर लोगे, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे, देखना यहाँ से भी आप 3 कॉमन ले लो और इधर की साइड से भी 3, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस ए एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको लेट कर लोगे इक्वेशन सेकेंड। सो यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे आप, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे, देखियो यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट कर रखा है थोड़ा सा, ये वाली जो साइड है डी वाई अपॉन डी एक्स, इनको एक साइड लेके चले जाओगे और ये ए वाई इधर ही रहेगा और इधर से एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद में सॉल्व करोगे तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इन दोनों में से कॉमन लेके सॉल्व करोगे, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी टर्म क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू किस पे निकाल लोगे, जो पॉइंट आपको गिवन है 3a/2, 3a/2 पर। सो इन पॉइंट्स पे जब आप वैल्यू पुट करोगे, यानी कि एक्स की वैल्यू तो क्या पुट करोगे 3a/2 और वाई की वैल्यू भी क्या पुट करोगे 3a/2, किस में, इस वाली इक्वेशन में। सॉल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा, माइनस वन। उसके बाद में अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि जो आपकी इक्वेशन टू आई है उसका क्या करोगे, दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। सो इस वाली इक्वेशन का कर देना डिफ्रेंशिएशन, आपको क्या मिल जाएगी, ये वाली इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर क्या करोगे, एक्स के प्लेस पे 3a/2 और वाई के प्लेस पे 3a/2 पुट करोगे, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली थी इन पॉइंट्स पे कितनी आई थी, माइनस वन। ये सभी वैल्यूज किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर थ्री में। सो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, किन पॉइंट्स पर, जो पॉइंट्स आपको गिवन है, कितनी आ जाएगी, माइनस की 32/3 × 1/a। हैंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर रो एट दिस पॉइंट, रो का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला कितना होता है, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2/d²y/dx². ये वैल्यूज हमने फाइंड की हुई हैं ऑलरेडी, dy/dx की वैल्यू कहाँ पे फाइंड की थी, ये रही, और उसके बाद में d²y/dx² की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, ये रही यहाँ पे, ठीक है। दोनों को पुट करोगे, सॉल्व कर लोगे, सो आपको क्या मिल जाएगा, कर्वेचर की वैल्यू मिल जाएगी एट दिस पॉइंट, कितनी आएगी, माइनस के 8√2/3a। इफ वी इग्नोर द निगेटिव साइन, द वैल्यू ऑफ कर्वेचर एट दिस इज इक्वल्स टू 8√2/3a, क्योंकि माइनस साइन क्या होता है, रेडियस में आप माइनस साइन को नेगलेक्ट कर देते हो, क्योंकि वो ओनली आपको डायरेक्शन के लिए बताया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में आपका ये वाला एग्जांपल कंप्लीट होता है, इसी चैप्टर का, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का। और जो एग्जांपल 4, 5 और 6 है वो बच्चों मैंने दूसरी डाउट क्लास में आपको बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद में एग्जांपल नंबर 7 देखिए क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन फॉर द कर्व x³ + y³ - 2x² + 6y = 0। सो क्या करना है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है किस पॉइंट पर, ओरिजिन पे कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है। मेरठ में पूछा गया है 2017 में, तो इसलिए CCS यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो देखिए क्या कर रहा है सॉल्यूशन में, द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म वी गेट y = 0। क्या करा इन्होंने, अगर हमारा कर्व किससे पास हो रहा है बच्चों, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो क्या करोगे, इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म, जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म है इक्वेशन की उसको क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी, यानी कि किस टर्म की डिग्री सबसे कम है, यहाँ पे 3 है, इस टर्म की डिग्री 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो सबसे कम किसकी है, 6y की, तो इसका कोफिशियंट, सॉरी इसको क्या करोगे आप, 0 के इक्वल पुट करोगे, तो 6y को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा y = 0। इन अ सेंस x एक्सिस एट टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजन, इसलिए बाय न्यूटन्स मेथड रो एट ओरिजन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसी एक्सरसाइज में, मतलब पहले यहाँ पे देखिए, इससे ओपन यहाँ पे लिखा भी हुआ है न्यूटन्स फॉर्मूला, आई थिंक मैंने आपको बताना याद नहीं रहा मुझे, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रो एट ओरिजन पे, ओरिजन पे रो की वैल्यू फाइंड करने का। एक तो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 x²/2y और रो एट ओरिजन लिमिट x टेंड्स टू 0 y²/2x, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होंगे जिनके भी एग्जाम अगर रह रहे हो एक दो स्टूडेंट का, तो वो भी ध्यान रख लेना, इसका डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में बताया हुआ है मैंने, आई थिंक रेगुलर क्लास में मैं आपको बताना भूल गई, ठीक है। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x²/2y डिवाइडिंग बाई 2y, द इक्वेशन ऑफ द कर्व कैन बी रिटन एज, जो आपकी इक्वेशन है कर्व की यानी कि ये वाली, इसको अगर आप 2y से डिवाइड कर
करते हो तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख दोगे, इस वाली इक्वेशन को 2y से डिवाइड करोगे, तो 2y से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा टेकिंग लिमिट एट एज x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2y इज इक्वल्स टू रो वी गेट, यानी कि अगर आप लिमिट लेते हो किस पे, x भी 0 पे टेंड करता है, y भी 0 पे टेंड कर रहा है और x स्क्वायर अपॉन 2y में भी लिमिट ले लोगे जहाँ पे x कहाँ पे टेंड करता है 0 पर, तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, रो इज इक्वल्स टू 3/2 और यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि इसमें पूछा क्या था आपसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी थी। तो इसी के साथ में बच्चों आपने जितने भी एग्जांपल्स पूछे थे मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता दिए हैं, क्योंकि अब कल का दिन आपके पास में बचा है और कल आई थिंक आपको वीडियो नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया एकदम से बीच में, सो इसलिए आज आपको ये वीडियो मिली और अब आपका किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट सेम का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। दूसरी बात बच्चों ये कि अगर आपका कोई भी डाउट रह गया, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में एक दिन बचा है, तो कोई भी स्टूडेंट कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, जितना आपने कर लिया है उसी का दोबारा से रिविज़न करना, रिविज़न कुछ भी मत छोड़ना, पेपर में बैठने से पहले बच्चों कुछ भी याद करने से अच्छा है जितना आपने याद कर रखा है उसका रिविज़न करो, क्योंकि अगर आपने एक बार रिविज़न कर लिया ना तो आपके माइंड में वो चीज़ बिल्कुल रहती है पेपर से एक दिन पहले। सो जब आप अगर आपको पेपर में बैठ के कुछ याद भी नहीं आएगा ना फॉर्मूला और आप आँख बंद करोगे कि हमने यार ये पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा, और आँख बंद करोगे और कोशिश करोगे तो आपको वो एकदम से आँख के सामने आ जाएगा। अभी मैं अपने बताऊँ मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि अगर हमने रिविज़न किया है और एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं आ रहा तो आँख बंद करके एक मिनट के लिए याद करना कि हमने इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक पढ़ा था और किस पेज पर पढ़ा था, वो बिल्कुल आपकी आँखों के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रिविज़न कर लेना सभी चीज़ का, सभी फॉर्मूले अच्छे से दोबारा से लर्न कर लेना एक बार, और जितने भी क्वेश्चन है जो कि लास्ट 5 ईयर्स में पूछे जा चुके हैं उनका एक बार क्विक रिविजन कर लेना और सभी एग्जाम्पल्स का भी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है और थ्योरम्स आपको बताई हुई हैं सारी, चाहे वो आपकी रोलेस थ्योरम हो, लेबनीज़ थ्योरम हो या फिर ग्रीन स्टोक्स वगैरह थ्योरम हो, इनके स्टेटमेंट वगैरह जिनका प्रूफ कराया हुआ है उनका प्रूफ और जिनके स्टेटमेंट्स बता रखे हैं उनके स्टेटमेंट्स, सभी आपको अच्छे से करने हैं और पेपर भी आपको अच्छे से देके आना है बिल्कुल माइंड फ्रेश करके। किसी भी बच्चे को डरना नहीं है कि पेपर में क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, ये है वो है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ लेना कि आपको सब कुछ आता है और आराम से चले जाना भगवान का नाम लेके, ठीक है। मेरी साइड से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करना। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।